जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो आज उस स्टॉक के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो आज के दिन जो इसका स्टार्टिंग में मूवमेंट रहा, मतलब स्टार्टिंग में सभी स्टॉक पॉजिटिव रहे। आपको देखा होगा चाहे विकास लाइफ केयर हो, HFCL हो, TTML हो, सभी स्टॉक स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहे और दिन में बिल्कुल ही डाउन रह के लास्ट में 2 बजे के बाद जो मूवमेंट उन्होंने दिखाया है वो पॉजिटिव में तब्दील हुआ। लेकिन जो ये स्टॉक है ये डाउनवर्ड ही रह गया। तो आप क्या इसको फिस्कू कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये वो स्टॉक नहीं है। इसने भी कमबैक करने की कोशिश की। अगर बात करूँ लोअर सर्किट में चला गया था आप जैसे थे, लेकिन वहाँ से कमबैक किया इसने 3-3.5%। तो स्टॉक के बारे में बात करें तो आप जैसे थे पिछले जो 5 दिन की गिरावट रही है, उससे पहले कहना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मतलब पहली बार, हाँ पहली बार ही या पहले भी कर चुके और आपने मेरे को धोखा दे के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, शर्माइए मत। और साथ में नीचे बेल आइकन है उसको भी दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट अपने फ़ोन पे मिले नोटिफिकेशन के साथ। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। तो अगर बात करूँ मैं 5 दिन की, तो जो गिरावट इसने स्टॉक में देखी आपको देखने को साफ मिल रही है। अगर महीने भर की बात करें स्टॉक के अंदर, तो 9% उछाल रहा है और साथ में देख सकते 30% उछाल कंपनी में मिला है। और अगर 6 महीने की बात कर ले तो आपको साफ देखने को मिला होगा 50% उछाल कंपनी दी है। और मैं आपको पहले भी कह रहा था कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है। अगर आप देखें तो इसको कंपैरिजन आप कर सकते हैं किससे, SBI से भी कर सकते हैं। हाँ मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप बोलेंगे SBI जैसा तो बैंक कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट बैंक, वो भी इंडिया का बिगेस्ट बैंक। तो मैं वैसे नहीं कह रहा कि वैल्यूएशन में कंपेयर करूँ, नहीं स्टॉक फाइव प्राइजेस में कंपेयर करूँ, कि जो SBI का मूवमेंट रहा है वैसा ही एक मूवमेंट रहा है। हाँ वो ज़्यादा सेफ स्टॉक है ये इतना नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस उसके बराबरी की टक्कर की है। 1 साल की 1599, 5 साल की 3.13 और मैक्स की आधे 3800। ये सब चीज़ें आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। स्टॉक आया था जब पैसों में आया था 0.50 में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ में फाइनेंशियल भी देखें तो आपको फाइनेंशियल में देखे कितने सारे एम्प्लॉयर। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च वाला बढ़िया गया, दिसंबर वाला बढ़िया गया, सितंबर जून खराब थे, लेकिन ये 2 क्वार्टर बढ़िया गए। अब बात करें कंपनी करती क्या, तो आपको कंपनी जो है वो थ्रेड कंपनी है, मतलब सिलाई बुनाई का कंपनी है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्राइडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं ट्राइडेंट शेयर प्राइस, तो यहाँ तोलिए क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ट्राइडेंट करती है ये काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बने हुए हैं थ्रेड्स और इसके रिलेटेड ट्राइडेंट ग्रुप है, तो ये एक मेन काम है ट्राइडेंट का, आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, वहाँ वैसे ही ट्राइडेंट इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी है। आपको मैं कुछ अगले वीडियोज़ में दिखा सकता हूँ वो, हर साथ में आप ही देख सकते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स आप भी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में और आपको पता भी नहीं है वो प्रोडक्ट कौन कौन से है। तो ये एक मेन चीज़ होती है जिसको बताना सही होता है, आप सब जानते हैं। तो मुझे वैसे आज का वीडियो यहाँ तक ही रखना था। अगर आपको पसंद आए तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।